नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएसओ न्यूज। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 45 पदों पर जो है भर्ती होना है, उसी को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी जी ने भी सवाल उठाया है, दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव जी ने सवाल उठाया है। तो फिलहाल इस मसले को लेकर के लगातार राजनीति गरमाया हुआ है। हालांकि इसमें क्या कुछ हो सकता है, ये तो राजनीति के में जो अच्छी पकड़ रखने वाले जो लोग हैं वही समझ सकते हैं। इसीलिए आप इस पूरे प्रक्रिया को कैसे देख पा रहे हैं सर? देखिए, इस लेटरल एंट्री को समझने के लिए ये जो 45 पदों पर सरकारी मंत्रालयों में सीधी जो इन लोगों की जो मतलब सिलेक्शन होगा इनका, तो ये क्यों आया है इस बार, इसके लिए सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। जैसे वो अमित शाह कहते हैं ना कि देखिए आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो ये जो बात है ये लेटरल एंट्री की, जहां पर यूपीएससी आपको नहीं करना है, आईएएस आईपीएस की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन जो सालों से काम कर रहे हैं कॉरपोरेट्स के अंदर या फिर दूसरी सरकारी कंपनियों में या मल्टीनेशनल कंपनी में एमएनसी के अंदर, उनका अनुभव के आधार पर डायरेक्ट ये मतलब उनको नौकरियां दी जाएगी, ये बात है। लेकिन ये क्यों है ये समझने के लिए हमें क्रोनोलॉजी में जाना पड़ेगा, तो मैं 5 मिनट के अंदर पूरी क्रोनोलॉजी आपको वन बाय वन समझा देता हूं। कि जब से 2014 में 70 साल तड़पने के बाद इन लोगों को सत्ता मिली, तो सबसे पहले शुरू शुरू में आकर ही इन लोगों ने देश के अंदर सरकारी पदों और राज्य के सरकारी पदों, जो कहा जाता है कि 30 लाख सरकारी पद केंद्र में और 30 लाख सरकारी पद राज्यों की अलग अलग राज्यों की सरकारों में खाली है, वो 10 साल में भरे नहीं। मतलब इनकी मंशा है कि अगर ये पद परमानेंट जॉब पर भरे जाएंगे तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सबको आरक्षण देना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले सत्ता में आने से ही इन लोगों ने परमानेंट नौकरियां बंद कर दी और कॉन्ट्रैक्ट बेस ऊपर नौकरियां देनी शुरू की। इससे क्या हुआ कि 2-4 साल के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई देश के अंदर, और 45 साल की हाइएस्ट बेरोजगारी इस देश के अंदर चरम सीमा पर आ गई। तो इनका जो जॉब नहीं देने का जो पैतरा था, षड्यंत्र था, परमानेंट जॉब नहीं देने का, ओल्ड पेंशन स्कीम चालू नहीं करने का और परमानेंट नौकरी किसी को भी सरकार में नहीं देने का, इसका जो गुब्बारा था वो फूट गया, देश पूरा बेरोजगार हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो इनके ऊपर तो अब इन्हें जिम्मेदारी आ गई कि भी कैसे इसको सॉल्व करें। और फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो संसद में जब राहुल गांधी ने इसका विरोध किया, तो राहुल गांधी के साथ जो इन लोगों ने किया वो तो पूरा देश जानता है। और तब तक चुनाव आ गए, चुनाव में फिर से इन लोगों ने इस आरक्षण को जड़ से खत्म करने के लिए नारे लगाए कि अगर एक बार हमारी 400 सीट्स आ गई, और इनके पूरे नेता, चाहे वो कर्नाटक के अनंत हेगड़े हो, ज्योति मिर्धा हो, ये जो अयोध्या में खड़े रहे थे लल्लन भाई कोई थे, वो ऐसे सारे नेता नारे लगा रहे थे कि एक बार अगर 400 आ गया तो हम संविधान को खत्म कर दे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। लेकिन इनकी मंशा तब भी पूरी नहीं हुई, आ गए 240। तो अब ये ईगो है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और फिर राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात कर दी, मतलब कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा राहुल गांधी ने लगाया और राहुल गांधी ने इनको चुनाव में हार दिला दी, 240 पर लाकर, बैसाखी पर लाकर पटक दिया। तो अब क्या करें, क्योंकि आरक्षण तो खत्म करना है, परमानेंट नौकरी नहीं देनी है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि ये लोग सत्ता में आए थे ये कहकर ही कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया, तो 2035 तक इस देश में मुसलमानों का राज हो जाएगा, ऐसा कह के ये लोग सत्ता में आए थे बाबा साहेब अंबेडकर और गांधी जी के कल्चर को खत्म करने का। लेकिन 10 साल में राहुल गांधी और विपक्ष ने ऐसी फाइटिंग दी इन लोगों को कि ये लोग अपनी मंशा पूरी नहीं कर पाए, और अब ये लोग ढीले ढाले हो चुके हैं, अपाहिज हो चुके हैं। तो कैसे करें, करना तो है, तो इसीलिए इन लोगों ने आरक्षण को खत्म करने के लिए, हाँ, ये जो भर्तियां निकाली गई है 45 जॉब्स के लिए, तो ये डायरेक्ट क्यों, क्योंकि जो पूंजीवादी लोग हैं, सो कॉल्ड कहे जाने वाले एक्सपीरियंस कॉरपोरेटर्स के कॉरपोरेटर्स लाइन में काम करने वाले लोगों को डायरेक्ट बिना पढ़ाई
बिना आईपीएस बिना आईएएस की यू नो मेहनत किए बगैर इन लोगों ने ये तय कर लिया कि इनको डायरेक्ट नौकरी मिलेगी। अब आप क्या आपको लगता है कि सर जो 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 तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, प्रभावशाली जो छात्र हैं, क्या उनके साथ भी ये बहुत बड़ा धोखा होगा? बिल्कुल होगा ना। देखिए अभी दिल्ली में 3 लोग मर गए पानी में डूब कर। वो क्या कर रहे थे, किसकी तैयारी कर रहे थे? आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आईपीएस की तैयारी कर रहे थे, बड़ी बड़ी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। अपने अपने घरों से आए होंगे, कहीं हॉस्टल में कुछ लोग रहते होंगे, कहीं कुछ लोग कोचिंग क्लासेस करते होंगे, उसके लिए पैसे लगाते होंगे, चार चार पांच पांच छह छह सात सात साल तक ये लोग एग्जाम्स देते होंगे, उसकी एग्जाम्स की फीस लगती होंगी। तो ये मेहनत क्यों करते हैं भाई देश में लोग? एडुकेशन का, साक्षरता का मतलब क्या है? अगर अनुभवी लोगों को उनके अनुभव के आधार पर सीधी इतनी बड़ी बड़ी नौकरियां सरकार के मंत्रालयों में अगर दी जाएगी तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या रह जाएगा? आरक्षण कैसे मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, इन लोगों की मंशा यह है कि आज पूरे भारत में पिछले 10 साल से हर बड़ी संस्थाओं में, हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, रेसलिंग हो, चाहे कोई भी संस्था हो, यूपीएससी हो, एजेंसीज हो अलग अलग, इन सब में इन लोगों ने अपने ही विचारधारा के लोग, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आरएसएस के लोगों को नौकरी पर बिठा दिया है। तो इस लेटरल नौकरी के द्वारा इसी आरएसएस के लोगों को अंदर डालने की और अंदर नौकरी में लेने की ये जो मंशा है, ताकि इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज पिछड़े दलित सभी लोगों के सारे हक बिना कोई झंझट छीन जाए, यही मंशा है और इसीलिए लाया गया है। डायरेक्ट नियुक्तियां करके आखिर सरकार क्या हासिल करना चाहती है? सवाल सर सिंपल सा है। सवाल सिंपल सा है ना, मैंने बोला ना कि ये लोग जो इस देश के गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इन लोगों को ये आरक्षण नहीं देना चाहते, क्योंकि सालों से सदियों से इस देश के अंदर सवर्णों ने राज किया है और इन लोगों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिलते थे। लेकिन आजादी के बाद इस देश में राजाशाही खत्म हो गई और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कांग्रेस ने इस देश में, इस देश को समान बनाने के लिए, जाति से समान बनाने के लिए, आर्थिक तौर पर समान बनाने के लिए इस देश के अंदर आरक्षण लाया। और जब आरक्षण आया तो जो लोग सदियों से बिना आरक्षण जी रहे थे, इस देश के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी जी रहे थे, उन्हें बहुत सदमा लगा है कि ये आरक्षण क्यों लाया गया। लेकिन तुमने सदियों तक आरक्षण भुगता और जब समाज में समानता, हर मुद्दे पर समानता लाने के लिए जब आरक्षण लाया गया है तो इन्हें ये आरक्षण निकालना है। तो अगर परमानेंट जॉब नहीं होगी, पेंशन नहीं होगा, डायरेक्ट एंट्री होगी, पढ़ाई नहीं करनी होगी, पूंजीवादियों को मदद करने के लिए उन्हीं के वहां नौकरी करने वाले लोग अनुभव के आधार पर इसमें जाएंगे, तो फिर से बिना कोई झंझट, बिना कोई तूत किए बगैर ही आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इनको तो फायदा ही होगा ना, क्योंकि हर जगह पे इनके ही विचारधारा के लोग बैठ जाएंगे नौकरी में, क्योंकि इनकी विचारधारा के लोग इतने पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, ये मेहनत तो करते नहीं है और इसीलिए इनको ऐसे बड़े बड़े पदों पर नौकरियां नहीं मिलती है। अब सरकारी मंत्रालयों में इनकी विचारधारा के लोगों को अंदर लाया जाएगा तो ये किनके लिए काम करेंगे? सवर्णों के लिए काम करेंगे, उच्च जाति वालों के लिए काम करेंगे, कॉर्पोरेट्स वालों के लिए काम करेंगे, पैसे वालों के लिए काम करेंगे, ये गरीबों के लिए काम नहीं करेंगे। ये पकौड़े तलने की नौकरी, पंक्चर बनाने की नौकरी, नाले में से गैस बनाने की नौकरी, आलों में से सोना बनाने की नौकरी, ऐसी नौकरियां हमारे देश का अभी अभी देखो, अभी तो क्या किया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, क्या रोजगार दिया? आरक्षण का अपमान किया, गरीबों का अपमान किया, दलितों का अपमान किया, माइनॉरिटीज का अपमान किया, हिंदू मुस्लिम्स किया। ये क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि ये फिर से अपनी सत्ता वापस लाना चाहते थे जो राजाशाही के जमाने में जीते थे, यही इनका मंसूबा है, यही इनकी मंशा है। लेकिन इस देश के लोग ये सफल नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है, मायावती ने भी कहा है कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो हो सकता है कि पूरे देश में 2 अक्टूबर, पता है ना कौन सा दिन है, 2 अक्टूबर से आंदोलन हो सकता है। तो यह सरकार तो अब फंसेगी, हर मुद्दे पर फंसेगी।
जैसे वो फंसती आई है वैसे ही फंसी। तो आपको क्या लगता है कि पूरे इस पूरे मामले पड़ जाते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर के भी जो है बीजेपी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है, या फिर बैकफुट पर आएगी? बीजेपी तो तब से फंसी हुई है जब से इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कहा है। बीजेपी तो तब से फंसती आ रही है जिन लोगों जब इन लोगों ने चुनाव में 400 का नारा दिया। बीजेपी तो तब से फंसती आई है जब इन लोगों ने बोला कि अगर 400 मिल गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो बीजेपी तो हर मुद्दे पर देखिए इसी तरह से इन लोगों ने जॉब नहीं देकर कॉरपोरेट्स में, सबसे बड़ा उदाहरण है सेबी का। आप मुझे बताइए क्या हुआ, जिस अदाणी पर राहुल गांधी चिल्ला रहे थे फर्स्ट रिपोर्ट में उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जांच होनी चाहिए तो सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुच, वो कोई आईएएस या आईपीएस नहीं है, वो इसी तरह से कॉर्पोरेट से लाई गई, नौकरी दी है डायरेक्ट, उसको चेयरपर्सन बनाया गया है। क्या किया उन लोगों ने, अपने ही आकाओं को मदद की, अदाणी को मदद की, उसके भाई विनोद अंबानी को मदद की, खुद के पैसे भी उसमें डाले, करप्शन पे करप्शन, और जांच भी वही खुद कर रही है। मतलब चोर जांच भी करेगा, चोर चोरी भी करेगा, चोर नौकरी भी करेगा, और चोर को परीक्षा भी नहीं देनी है, तो ये पूंजीपतियों के सारे काम सरल हो जाएंगे। सीधा सा है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसका विरोध तो होगा। ये एक ही तीर से, एक तीर से दो नहीं, एक तीर से 20 निशान ताक रहे हैं, लेकिन इनके निशान कहीं पर नहीं लगने वाले। विपक्ष इतना मजबूत हो गया है कि वो छोड़ेगा नहीं इनको। इट मस्ट बी रिमूव्ड, इट मस्ट बी टेकन बैक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सागर साहब जी, आपने बेशकीमती समय देकर के हमारे दर्शकों को समझाया बताया। फिलहाल अगले टॉपिक पर जो हम फिर से जुड़ेंगे, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। डिस्को न्यूज़, धन्यवाद।